सो ऑल राइट गाइज, तो काफ़ी समय बाद गाइज मैं लेकर आ चुका हूँ ऑयल पेंट की फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल, जिसमें गाइज मैं आप लोगों को ना फुल ऑयल पेंट की फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। और गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ ऐसे टिप्स को आप लोगों को बताया है, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं गाइज ना, तो आप अपने किसी भी फोटो को इस टाइप से ना ऑयल पेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल ईजी स्टेप में, और आपको इस वीडियो में पूरा मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल पर नए हैं तो गाइज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सो गाइज सबसे पहले आपको स्नैपसीड ऐप को ओपन करके प्लस की आइकन पे गाइज क्लिक करके और सिंपल से गाइज आपको जिस भी फोटो को एडिट करना होगा उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसी वाली फोटो को गाइज हम लोग एडिट करने वाले हैं, तो इसे स्नैपसीड ऐप में ओपन करके और इस पेंसिल की आइकन पे गाइज आपको क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट वाले पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही गाइज आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका जहाँ जहाँ स्किन ज़्यादा डार्क है गाइज, ब्राइट नहीं है, वहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको सेलेक्ट करके और ऐसे पंच करके छोटा करके ब्राइटनेस को गाइज ऐसे इंक्रीज कर लीजिएगा और नीचे आके थोड़ा सा इसकी सेचुएशन को डिक्रीज कर दीजिएगा। और गाइज ये प्रोसेस आप वहाँ कीजिएगा जहाँ जहाँ पर आपका स्किन गाइज ना डार्क है। तो गाइज मैं फटाफट से कर लेता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही पूरा स्टेप ये कर लीजिएगा। और गाइज सिंपल से ऐसे कर लेने के बाद सिंपली आपको यहाँ से राइट क्लिक कर देना होगा। और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज ना, तो ऑल्टो वाला आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। तो गाइज अगेन क्या करेंगे, अपने टी शर्ट की कलर को हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो गाइज इसको भी चेंज करने के लिए इसी पेंसिल की आइकन पर क्लिक करना होगा और ऐसे नीचे की ओर जाएंगे गाइज, डबल एक्सपोजर के ऑप्शन पर क्लिक करके प्लस की आइकन और सिंपल से एक कलर पैनल को गाइज यहाँ से हम लोग ले लेंगे और फटाफट से अपनी टी शर्ट की कलर को भी गाइज चेंज कर लेते हैं। गाइज इसे लेने के बाद नीचे साइड में थ्री ऑप्शंस मिलेंगे, तो बीच वाले पे क्लिक करके सबट्रैक्ट अप कर दीजिएगा और सिंपल राइट क्लिक कर दीजिएगा और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन पे क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश को ले लीजिएगा और साइज यहाँ से 100 मिल जाएगा गाइज। और सिंपल से आपको अपनी टी शर्ट पे कुछ इस टाइप से आपको ऐसे चला देना होगा। तो गाइज मैं फटाफट से चला लेता हूँ, आप लोग भी चला लीजिएगा। गाइज आप ऐसे अपनी टी शर्ट की कलर चेंज करके सिंपल राइट क्लिक करके आपको यहां से बैक हो जाना होगा और बैक आप जैसे ही गाइज होंगे ना, तो कुछ इस टाइप की फोटो आपकी यहां से देखने को मिलेगी। तो गाइज इसी पेंसिल की आइकन पे आपको अगेन क्लिक करके ऐसे ऊपर साइड में आएंगे और ट्यून इमेज के ऑप्शंस पे गाइज क्लिक करके यहां से इसकी ब्राइटनेस को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और इंक्रीज कर लेंगे और नीचे जाके गाइज इसकी शैडो को भी हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और सिंपल राइट क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आफ्टर बिफोर यहाँ से आप अपनी फोटो को देख ही सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, अपनी फेस को स्मूथ कर लेते हैं। तो इस तीर के आइकन पर गाइज क्लिक करके और सिंपल से इस फोटो को गाइज यहाँ से हम लोग शेयर कर लेंगे अपनी स्केच बुक में। तो सो गाइज फटाफट से इस फोटो को हम लोग स्केच बुक में ओपन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं गाइज हम लोग की ये फोटो गाइज ना इस स्केच बुक में ओपन हो चुका है। और गाइज आज मैं ना न्यू ब्रश का यूज करके अपनी फेस को स्मूथ करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को गाइज देखते रहिएगा, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो क्या करेंगे गाइज, इसी टूल्स के आइकन पर क्लिक करके और ऐसे नीचे साइड में आपको आना होगा और आने के बाद गाइज ना यहाँ पे एक स्मर्ज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो स्मर्ज में आ जाने के बाद गाइज ना सिंपल से आपको लास्ट ऐसे चौथे नंबर वाले ब्रश को लेके ना इसकी सेटिंग्स पे जाके देख सकते हैं। इसकी सेटिंग को आप स्क्रीनशॉट लेके गाइज रख लीजिएगा। इसकी फ्लो को हम लोग 2 रखे हैं और स्ट्रेंथ को हम लोग 11 रखे हैं। तो नीचे साइड में कट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके और फोटो को गाइज ऐसे आप जूम कर लीजिएगा और जूम कर लेने के बाद साइज आपको यहाँ पे नीचे साइड में डॉट वाले पे क्लिक करके ऐसे लेफ्ट राइट करेंगे होल्ड करके, तो साइज भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते। फिलहाल के लिए गाइज साइज मैं इतना रख रहा हूँ और आपको अपने ना स्क्रीन पे इसे कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देना होगा गाइज, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइज ऐसे आप फटाफट से आप अपने पूरे स्क्रीन पे इसे ड्रॉ कर लीजिएगा और जैसे ही गाइज ड्रॉ करेंगे ना, तो रिजल्ट आप लोग देखेंगे काफ़ी ओसम सी गाइज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो गाइज देख सकते हैं हम लोग का स्किन काफ़ी बेहतरीन सी गाइज यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। तो गाइज ऐसे आप भी फटाफट से कर लीजिएगा, याद रहे गाइज आप साइज का जो सेटिंग है वही रखिएगा और मैं फटाफट से गाइज कर लेता हूँ। और गाइज जैसे ही आप अपने पूरे फेस को ऐसे ब्रश को चलाएंगे अपने पूरे फेस पे ना,
तो आल्टो वाला आप देख ही सकते हैं गाइस, आपकी फेस काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्मूथ हो चुका है। और स्मूथ हो जाने के बाद ना सिंपल से गाइस आप लोगों को मैं ये इसी में बताने वाला हूँ कि आप अपने फेस को वाइट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वाइट करने के लिए सिंपल से इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्लस की आइकन पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर को आप क्रिएट कर लीजिएगा। और कर लेने के बाद सिंपल से आपको क्या करना होगा गाइस, इसी टूल्स के आइकन पर क्लिक करके लाइब्रेरी में आके गाइस ना एक ब्रश को आपको ले लेना होगा। गाइस आपको ना ट्रेडिशनल में आ जाने के बाद इस एक मीडियम ब्रश आपको मिलेगा, इसको ले लेना होगा। और लेने के बाद गाइस सिंपल से नीचे साइड में कट कर देना होगा और कलर्स के आइकन पे गाइस सिंपल से जाना होगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कई ऑप्शंस मिलेंगे, तो एक HSL मिलेगा, RGB मिलेगा और RGB के बगल में एक और मिलेगा। तो इसमें आ जाने के बाद सिंपल से गाइस इस कलर को हम लोग सिलेक्ट करके और नीचे साइड में कट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देंगे गाइस। और कर लेने के बाद सिंपल से आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करके इसकी साइज़ को ऐसे हम लोग इंक्रीज करेंगे गाइस। और कर लेने के बाद आपको अपने पूरे स्किन पे इसे ऐसे पेंट कर देना होगा। तो गाइस फटाफट से आप अपने पूरे स्किन पे इसे ऐसे पेंट कर लीजिएगा। मैं भी गाइस पेंट करके फिर आगे का प्रोसेस गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। और गाइस जैसे ही आप अपने पूरे स्किन पे इसे लेयर को ऐसे चलाएंगे ना ब्रश को, तो कुछ इस टाइप की रिजल्ट आप लोगों के सामने गाइस मिलेगा। तो लेयर वाले पे अगेन क्लिक करके गाइस इस लेयर पे हम लोग अगेन क्लिक करके यहाँ पे नॉर्मल पे गाइस क्लिक करके आपको यहाँ पे ना सॉफ्ट लाइट क्लिक करके नीचे साइड में कट क्लिक कर देंगे। और अगेन गाइस इसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ना HSL एडजस्टमेंट लिखा होगा, तो इस पर हम लोग गाइस क्लिक करके और आपको नीचे साइड में 3 ऑप्शंस मिलेंगे। तो लास्ट वाले नंबर को गाइस हम लोग ऐसे इंक्रीज करेंगे और इसकी सेकंड वाले नंबर को हम लोग गाइस ऐसे डिक्रीज कर देंगे। और गाइस ऐसे कर लेने का सिंपल से आप लोगों को ना यहाँ पे देख ही सकते हैं हम लोगों का कितने अच्छे से फेस यहाँ पे बन चुका है। तो थोड़ा सा इसे आप बारीकी से गाइस एडजस्ट कीजिएगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से गाइस डन क्लिक कर देंगे और अगेन लेयर पे क्लिक करके इसी पे गाइस क्लिक करके ना इसकी ओपेसिटी को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो गाइस मैं ओपेसिटी को इतना रख रहा हूँ और रख लेने के बाद सिंपल से गाइस ना देख ही सकते हैं हम लोग का फोटो यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन के आ जाएगा दोस्तों। तो इस फोटो को गाइस सेव कर लेते हैं और सेव कर लेने के बाद अगेन क्या करेंगे गाइस ना इसी वाले ऑप्शंस पे गाइस क्लिक करके इस फोटो को शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर देंगे और हम लोग की ये फोटो गाइस गैलरी में सेव हो जाएगी। अगेन इसी फोटो को गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लेंगे। गाइज अगेन हम लोगों ने इसी फोटो को स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लिया है और कर लेने वाला सिंपल से गाइज क्या प्रोसेस होने वाला है थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा। और इस पेंसिल की आइकन पे गाइज आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शंस पे गाइज क्लिक करके इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे इंक्रीज कर लेंगे गाइज। और इंक्रीज कर लेने वाला सिंपल राइट क्लिक कर देंगे और ऊपर साइड में क्रॉस तीर के आइकन क्लिक करके व्यू एडिट के ऑप्शन और डिटेल्स पे क्लिक करके ब्रश को लेके गाइज ना साइज यहाँ से 100 मिल जाएगा। और आपको इसे ना केवल अपने बाल जो होता है ना बियर्ड पे आपको ऐसे अप्लाई कर देना होगा। तो जहाँ जहाँ पे आपका बियर्ड है गाइज ना कुछ इस टाइप से इसे अप्लाई कर दीजिएगा। तो गाइज मैं भी फटाफट से कर लिया हूँ और कर लेने वाला सिंपल से गाइज ना यहाँ से आपको राइट क्लिक करके आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा। और बैक होते ही गाइज देख ही सकते हैं हम लोगों की आल टू आल फोटो। तो अब देखिए गाइज मैजिक देखिएगा अपनी फेस को हम लोग कैसे और ज़्यादा वाइट करते हैं। तो पेंसिल की आइकन पे क्लिक करके गाइज ऐसे नीचे आएंगे, डर्मा पे अब क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे डर्मा 1 ये ऑटोमेटिक गाइज सेलेक्ट कर लेगा। और नीचे आके इसकी सेचुएशन को हम लोग और ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे और डर्मा 2 को भी हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। डर्मा 1 ही गाइज यहाँ पे परफेक्ट है, सिंपल राइट क्लिक कर देंगे। और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आल टू वाला आप फोटो देख ही सकते हैं। तो पेंसिल की आइकन पे गाइज क्लिक करेंगे और सेलेक्ट टू वाले पे क्लिक करके और ऐसे अपने फेस पे सेलेक्ट करके और थोड़ा सा ब्राइटनेस को गाइज इंक्रीज करके नीचे के सिचुएशन को डिक्रीज करके और सिंपल गाइज क्या करेंगे राइट क्लिक कर देंगे। और जैसे ही गाइज ये पूरी प्रोसेस करेंगे तो आल टू वाला आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी। तो गाइज अब देखिएगा आपको क्या करना होगा, आपको इस शेयर की आइकन पे गाइज क्लिक कर लेना होगा और सिंपल से गाइज क्या करना होगा ऐसे अपनी फोटो को ना पहले तो गाइज आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर लीजिएगा तभी आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। तो सिंपल से इस फोटो को गाइज हम लोग शेयर कर लेंगे अपनी फोटो रूम में। तो गाइज ये फोटो हम लोग की फोटो रूम में शेयर हो रहा है और शेयर हो जाने के बाद देखिएगा यहाँ पे मैजिक गाइज। अब यहाँ पे आप लोग मैजिक देखिए, यहाँ पे हम लोग का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ये रिमूव कर देगा
तो इस वाले फोटो को लेके गाइज ना इसके बैकग्राउंड पे आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा और नीचे आके ब्लर वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करके सेकंड वाले ब्लर को ले लीजिएगा गाउसियन ब्लर और इसको इंक्रीज करके और ऐसे ऊपर आएंगे यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करके ना सैचुएशन पे जाके इसकी सैचुएशन को हम लोग फुल्ली डिक्रीज करके और सिंपल आप लोगों को यहाँ कॉन्ट्रास्ट पे आके इसकी कॉन्ट्रास्ट को हम लोग इंक्रीज ऐसे कर लेंगे और सिंपल गैज तीर वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सेव टू गैलरी क्लिक कर देंगे और हम लोग की देख ही सकते हैं ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। गैज सेव हो जाने के बाद सिंपल से क्या करेंगे इस फोटो को फिर से गैज शेयर कर लेंगे हम लोग अपनी ना टूलबीज ऐप में। तो गैज ये फोटो हम लोग की देख सकते हैं टूलबीज ऐप में शेयर हो चुका है आ गया है और यहाँ पे ऑयल पेंट की इफेक्ट इसमें हम लोग डाल लेंगे और डालने के बाद रिजल्ट देखिएगा गैज कितना बवाल से मिलेगा। तो इफेक्ट वाले ऑप्शंस पे गैज आके सॉफ्ट स्मर्ज में हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ना सबसे लास्ट वाले नंबर को हम लोग ले लेंगे ऑयल वाला इफेक्ट यानी 9 वाले को और लेने के बाद मास्क पे गाइज क्लिक करके यहाँ पे ना क्लीन कर दीजिएगा और क्लीन कर लेने के बाद आपको अपने पूरे जो बाल है ना उस पर आप कुछ इस टाइप से इसे ड्रॉ कर दीजिएगा। तो गाइज फटाफट से आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा जहाँ जहाँ आपका बाल है और ड्रॉ करने के बाद रिजल्ट आप देखेंगे गाइज कितना बवाल सी दिखेगी। और सिंपल गाइज यहां से राइट क्लिक कर देंगे और राइट आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज ना तो देखेंगे कि हम लोग की पूरी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट हो जाएगी जो देखने में काफ़ी ओसम सी लग रही है गाइज। तो देख सकते हैं गाइज कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस फोटो को एडिट कर लिया है। तो फोटो को सेव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर गाइज क्लिक कर देंगे और हम लोग की ये फोटो गाइज ना गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।